अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से, और आज हमारा लेसन है 43। हम सीख रहे हैं जॉब्स के बारे में, पेशे और प्रोफेशन के बारे में। तो जो दोस्त लेसन पढ़ रहे हैं उन्हें चाहिए कि लेसन नंबर 1 से पढ़ते हुए हैं, तो उनके लिए आसानी रहेगी और सीखने में भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का क्या लेसन है। व्हाट डू यू हेयर, देखते हैं हमने क्या सुना। आओ आओ, देखते हैं इनमें से कौन सी आवाज़ें आओ की। हा आ आओ आओ आओ, ठीक है आगे बढ़ते। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। माई ब्रदर इज एन एक्टर, मेरा भाई एक अदाकार है। ठीक है, उर्दू में इस तरह बोलेंगे, और इसको जर्मन में किस तरह से बोला जाएगा। माई ब्रदर को क्या बोलेंगे? माइन ब्रूडर। इसको क्या बोलेंगे? इस्ट। एक्टर को क्या बोलेंगे? शाउस्पीलर। माइन ब्रूडर इस्ट शाउस्पीलर, मेरा भाई एक अदाकार है। आगे बढ़ते हैं। शा, देखते हैं इनमें कौन सी आवाज है शाह की। सा हा शा जा शा शा, ठीक है आगे बढ़ते। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। इंग्लिश में लिखा है माई सिस्टर इज एन एक्ट्रेस, इसका उर्दू में मतलब होगा मेरी बहन एक अदाकार है। ठीक है, और इसको जर्मन में किस तरह से बोला जाएगा। माई सिस्टर को जर्मन में क्या बोलेंगे? माइने श्वेस्टर। इसको क्या बोलेंगे? इस्ट। एक्ट्रेस को क्या बोलेंगे? शाउस्पीलरिन। शाउस्पीलरिन, माइने श्वेस्टर इस्ट शाउस्पीलरिन, मेरी बहन एक अदाकार है। माई सिस्टर इज एन एक्ट्रेस। आगे बढ़ते। सी इस्ट केलनरिन। स्पीक दिस सेंटेंस, इस जुमले को बोलना है हमें माइक में, लेकिन माइक चलेगा नहीं, तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ। जी इस्ट केलेगन, इसका मतलब होता है वो एक वेट्रेस है। दोबारा सुनते हैं। जी इस्ट केलनरिन। जी इस्ट केलेगन, वो एक वेट्रेस है। इंग्लिश में बोलेंगे शी इज अ वेट्रेस। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। माई फादर इज एन एक्टर, इंग्लिश में क्या लिखा है? माई फादर इज एन एक्टर, उर्दू में बोलेंगे मेरे वालिद एक अदाकार हैं। तो इसको स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे, सॉरी जर्मन में किस तरह से बोलेंगे? माई फादर को क्या बोलेंगे? माइन फादर। माइन फादर, इसको क्या बोलेंगे? इस्ट। एक्टर को क्या बोलेंगे? शाउस्पीलर। माइन फादर इस्ट शाउस्पीलर, मेरे वालिद एक अदाकार हैं। ठीक है आगे बढ़ते। सी इस्ट केलनरिन und er ist Kellner। अच्छा मैं इसका मतलब बता देता हूँ। सी इस्ट केलनरिन und er ist Kellner, केलनर, इसका उर्दू में मतलब होगा वो एक वेट्रेस है और वो एक वेटर है। ठीक है, इंग्लिश में होगा शी इज अ वेट्रेस एंड ही इज अ वेटर। स्लो में सुनते हैं। सी इस्ट केलनरिन und er ist Kellner। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। द वुमेन इज एन एक्ट्रेस, द वुमेन इज एन एक्ट्रेस, औरत एक अदाकार है। ठीक है, द वुमेन इज एन एक्ट्रेस, औरत एक अदाकार है, उर्दू में इस तरह बोला जाएगा, और जर्मन में किस तरह से बोलेंगे? द वुमेन को क्या बोलेंगे?
फ्राउ. इसको क्या बोलेंगे? इस्ट. एक्ट्रेस को क्या बोलेंगे? शौस्पीलरिन. शौस्पीलरिन. जी डी फ्रॉ इस्ट शौस्पीलरिन. औरत एक अदाकार है. आगे बढ़ते हैं. शी इज एन एक्टर. वो एक अदाकार है. ठीक है, उर्दू में किस तरह होगा? वो एक अदाकार है. और जर्मन में किस तरह से बोलेंगे? जी इस्ट शौस्पीलरिन. इनके फर्क को समझना है. जी के लिए, शी के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, ही के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, ये फर्क को समझना है आपने. अच्छा, हम देख, शी इज एन एक्ट्रेस. वो एक एक्टर है. इसको जर्मन में किस तरह से बोला जाएगा? जे इस्ट शो स्पीलगन. वो एक अदाकार है. आगे बढ़ते हैं. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. द मैन इज एन एक्टर. आदमी एक अदाकार है. उर्दू में इस तरह बोलेंगे. और जर्मन में किस तरह बोलेंगे? द मैन को क्या बोलेंगे जर्मन में? डियर मैन. इसको क्या बोलेंगे? इस्ट. एक्टर को क्या बोलेंगे? शौस्पीलर. डियर मैन इस्ट शौस्पीलर. आदमी एक अदाकार है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बहुत शोर है यहाँ पर. इज शी एन एक्टर. सवाल पूछा जा रहा है इंग्लिश में. इज शी एन एक्टर. क्या वो एक अदाकार है? इज शी एन एक्ट्रेस. क्या वो एक अदाकार है? ठीक है, इसको जर्मन में किस तरह से लिखा जाएगा? इस्ट. शी को क्या बोलेंगे? जी. एक्ट्रेस को क्या बोलेंगे? शौस्पीलरिन. शौस्पीलरिन. इस्ट जी शौस्पीलरिन. क्या वो एक अदाकार है? और इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? इज शी एन एक्ट्रेस. आगे बढ़ते हैं. अभी एक तरह से हमारा टेस्ट हो रहा है. इसमें जो कुछ सिखाया है उसको लिखा जा, सवाल या जुमलों में पूछा जा रहा है. इज द मैन एन एक्टर. क्या आदमी एक अदाकार है? ठीक है, उर्दू में इस तरह से बोलेंगे. और जर्मन में किस तरह बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इस्ट. द मैन को क्या बोलेंगे? डियर मैन. एक्टर को क्या बोलेंगे? शौस्पीलर. इस्ट डियर मैन शौस्पीलर. क्या आदमी एक अदाकार है? ठीक है, और इंग्लिश में किस तरह से लिखा हुआ है जुमला? इज द मैन एन एक्टर. क्या आदमी एक अदाकार है? आगे बढ़ते हैं. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. लिखा है इंग्लिश में, शी इज अ वेट्रेस एंड ही इज अ वेटर. वो एक वेट्रेस है और वो एक वेटर है. ठीक है, इस तरह से उर्दू में बोलेंगे. और जर्मन में किस तरह से बोला जाएगा लिखते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसको टाइप करना होगा. जिया इस्ट केलनगन उन एयर इस्ट केलनर. मैंने वीडियो रोक के टाइप कर दिया था ताकि जल्दी हो जाए. आप इसको साथ साथ टाइप करें, प्रैक्टिस करें. जिया इस्ट केलनगन. वो एक वेट्रेस है उंड और एयर इस्ट केलनर. और वो एक बेटर है. ठीक है, इस तरह से होगा ये.
ठीक है दोस्तों, तो ये तो था लेसन नंबर 43, जॉब्स के बारे में सीख रहे हैं हम। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।